दिस इज लेक्चर नंबर 9th ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट और इस पार्ट में हम पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और फिर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, फिजिक्स में जब भी हम स्लोप की बात करते हैं, किसी भी कर्व का स्लोप की बात करते हैं, किसी भी कर्व के स्लोप की बात करते हैं, तो मान लेते हैं आपके पास दो एक्सिस है, एक्स और वाई, और यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है। अब ये एंगल थीटा है, तो जो स्लोप हम लिखते हैं उसको लिखते हैं टेन थीटा, और वो होता है dy अपॉन dx, यस और नो? और हम बोलते हैं कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है, यस। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो हम बोलते हैं कि जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है। आइए इसको हम अब फिजिक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए, अभी आप पढ़ के आए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ dv अपॉन dx। अब आप इस dv अपॉन dx को पढ़ना सीखिए। dv अपॉन dx का मतलब, हाँ, जो पोटेंशियल एक्स कर्व है उसका स्लोप और उसका नेगेटिव आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। यानी कि इस फॉर्मूले से हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एक्स कर्व, यस और नो? सिमिलरली जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं फोर्स होता है माइनस डीयू अपॉन डीएक्स। इसको भी पढ़ना सीखिए। डीयू अपॉन डीएक्स को क्या बुलाएंगे? स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्स कर्व, यस और नो? उसका नेगेटिव आपको फोर्स देगा। यानी यहां से हम फोर्स को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एक्स कर्व, डन? आइए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके पास नीट में पूछा गया था। आपको बोला कि ये जो आपके पास पोटेंशियल और एक्स में ग्राफ गिवन है, ग्राफ में देखिए मार्किंग्स हैं, और आपको बोला है एक्स इक्वल टू फोर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। एक्स इक्वल टू फोर यहां पे है, तो पहले तो आप सोचिएगा कि एक्स इक्वल टू फोर पे तो आपको पहली बार समझ में नहीं आएगा, पर आप ध्यान से देखिए इस थ्री और फाइव के बीच में जो लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो तो कॉन्स्टेंट होगा। यानी आप थ्री और फाइव के बीच में किसी भी पॉइंट को कंसीडर करिए, इन सारे पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। तो आप कोई सा भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, उसका स्लोप अगर कांस्टेंट है, और सिंस देखिए जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहां का जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा, डन? और कॉन्स्टेंट होगा। तो चार पे बोलिए या 3.5 पे बोलिए या 4.5 पे बोलिए, सब पे स्लोप सेम आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए होता है माइनस डीवी अपॉन डीएक्स, डन? इसको क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वीएक्स कर्व, और स्लोप यहां आएगा नेगेटिव, और स्लोप क्या होगा? ट्राइंगल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 10, बेस कितना है 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा +5 न्यूटन पर कूलम। तो आपको ऑप्शन में +5 भी दिखेगा, -5 भी दिखेगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि स्लोप कैसे हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम इसी में एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम एक कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल लिखते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप देखिए, आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, तो आपको पता है अगर हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो इनसाइड वाले पॉइंट पे, कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो भी चार्ज देंगे सरफेस पे जाएगा, चार्ज अंदर नहीं जाएगा। तो इनसाइड वाले पॉइंट पे और सरफेस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, उसको लिखते हैं के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर। और अगर आउटसाइड वाले पॉइंट की बात करते हैं तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल लिखते हैं वो लिखते हैं के क्यू अपॉन स्मॉल आर। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो स्मॉल आर है वो सेंटर से डिस्टेंस है, तो आप ऐसे याद रखिए इसको कि आउटसाइड वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल लिखेंगे वो लिखेंगे के क्यू अपॉन सेंटर से दूरी। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, डन? आइए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला कि एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, आपको बताना है ए बी और सी पॉइंट पे पोटेंशियल। आप डिस्टेंस देख सकते हैं, सेंटर से सबका डिस्टेंस है। अब ध्यान से सुनिए, जो अंदर वाला पॉइंट है ए और जो सरफेस वाला पॉइंट है बी, इस दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा और उसको लिखेंगे के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। तो देखिए दोनों में सेम है पोटेंशियल। और बाहर वाले पॉइंट सी पे सेंटर से दूरी लेंगे, सेंटर से दूरी कितना है 2r, तो सी पॉइंट पे होगा के क्यू अपॉन सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी 2r, तो ए और बी सी पे
हमारा पोटेंशियल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2, और पहले वाले पे चार्ज Q1, दूसरे वाले पे चार्ज Q2, और दो पॉइंट मार्क करके गिवन है A और B, दोनों का डिस्टेंस देखिए सेंटर से। तो आपसे पूछा है A और B पे आपको बताना है पोटेंशियल। पहले आप A पे चर्चा करिए, देखिए इस A वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो स्फीयर 1 के वजह से भी होगा और स्फीयर 2 के वजह से भी होगा, यस और नो? अब आप देखिए जो स्फीयर 1 है, अंदर वाला स्फीयर, इस स्फीयर के लिए A पॉइंट क्या है, आउटसाइड द स्फीयर है। तो आउटसाइड द स्फीयर है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं KQ अपॉन सेंटर से दूरी। तो देखिए सेंटर से दूरी कितना है A पॉइंट का, R0। तो पहले स्फीयर के लिए हो जाएगा KQ1 अपॉन R0, और दूसरे स्फीयर के लिए A पॉइंट उसके अंदर है, अंदर है और सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है KQ अपॉन रेडियस। रेडियस कितना है स्फीयर का, आउटर स्फीयर का, R2, यानी KQ2 अपॉन R2। A पॉइंट पे आ गया। अब B पॉइंट पे देखिए, B पॉइंट पे स्फीयर 1 के कारण भी, स्फीयर 2 के कारण भी। तो स्फीयर 1 का आउटसाइड पॉइंट है तो वो हो जाएगा KQ अपॉन सेंटर से दूरी। तो सेंटर से दूरी कितना है R2, यानी कि KQ1 अपॉन R2, यस और नो? और B वाला जो है दूसरे स्फीयर के कारण, जो B वाला पॉइंट है उसके सरफेस पे, तो सरफेस पे KQ अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है R2, तो KQ2 अपॉन R2, क्योंकि पहले वाले सरफेस पे Q1 और दूसरे वाले स्फीयर पे Q2 चार्ज है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएगा। अगेन आपके पास दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक के ऊपर चार्ज Q1, Q2, रेडियस आपको देखिए स्मॉल r कैपिटल r गिवन है, दो पॉइंट मार्क करके गिवन है A और B। पहले से आपसे पूछा है कि A और B पे पोटेंशियल बताइए, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो आइए A पॉइंट की बात करते हैं। तो A पॉइंट पे इस स्फीयर के कारण भी होगा पोटेंशियल, इस स्फीयर के कारण भी। तो अंदर वाले स्फीयर के कारण ये सरफेस पे, तो सरफेस पे हो जाएगा KQ अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है स्मॉल r, चार्ज कितना है Q1, तो KQ1 अपॉन स्मॉल r। और A पॉइंट दूसरे वाले सरफेस के स्फीयर के अंदर है, तो अंदर है और सरफेस पे सेम होता है, तो वो लिखेंगे KQ2 अपॉन उसका रेडियस, यानी कैपिटल R, यस और नो? फिर बात करते हैं B पॉइंट की। तो B वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो स्फीयर 1 के लिए ये आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट है तो सेंटर से दूरी, तो KQ1 सेंटर से दूरी है R, तो KQ1 अपॉन कैपिटल R। और स्फीयर 2 के लिए उसके सरफेस पे है, तो KQ अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है R, और Q कितना है Q2, तो KQ2 अपॉन R। फिर आप दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया KQ1 अपॉन स्मॉल r माइनस KQ2 Q1 अपॉन r। अब यहां पे ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व क्या करिए, अगर हम सिर्फ पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो वो Q1 पे भी डिपेंड कर रहा है, Q2 पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन लेकिन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ Q1 पे डिपेंड कर रहा है, और Q1 क्या है, अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बाहर वाले स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, और इसी के ऊपर बेस्ड जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कि आपको बोला कि अभी बाहर वाले स्फीयर पे Q2 चार्ज है, तो क्या हो कि इस Q2 के जगह पे हम -3Q चार्ज दे देंगे, तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस पे इफेक्ट क्या होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है बाहर वाले स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट इसी सवाल में एक वैरायटी बनता है, वो सुनिए वैरायटी क्या है। आपने क्या किया, ये दो का पोटेंशियल आपने बता किया, ए का भी और बी का भी। अब आपसे क्या बोलता है कि इस दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देते हैं, तब क्या कंडीशन बनता है वो बताना है आपको। सो हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों पॉइंट को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। अब देखिए आपको पता है इन दोनों पॉइंट को अगर कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग वायर से जैसे ही जोड़ते हैं तो पोटेंशियल उन दोनों पॉइंट का हो जाता है सेम, यानी कि पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। अच्छा, पोटेंशियल ए पे लिखना आता है आपको, इस स्फीयर के कारण उसके आउटर सरफेस पे है तो KQ1 अपॉन आर, इस पे बाहर वाले स्फीयर के कारण KQ2 अपॉन कैपिटल आर, और बी पॉइंट पे इसके आउटर पॉइंट पे है तो KQ1 अपॉन कैपिटल आर, और इसके अंदर वाले पॉइंट पे है सरफेस पे है KQ2 अपॉन कैपिटल आर। फिर दोनों को इक्वेट करिएगा, देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहा है, और इसको इधर माइनस करिएगा, इसको इधर लेके आइए तो जीरो,
और यहां कॉमन लीजिएगा तो के क्यू वन अपन आर माइनस वन अपन आर इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इस पूरे टर्म को जीरो होने के लिए, इस पूरे टर्म को जीरो होने के लिए देखिए के तो कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि के का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻¹। रेडियस का भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि रेडियस का कुछ वैल्यू होगा, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ भी होगा, तो ये भी जीरो नहीं होगा। तो इस पूरे टर्म को जीरो होने के लिए क्यू वन को जीरो होना पड़ेगा, डन। तो यानी कि अगर आप इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं कंडक्टिंग वायर से, तो अंदर वाले सरफेस पे, अंदर वाले स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा, क्यू वन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो जितना भी अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज था वो फ्लो होकर के बाहर वाले सरफेस से पे आ जाएगा। यानी कि अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज जीरो हो जाएगा और आउटर वाले सरफेस पे, स्फीयर पे क्यू वन चार्ज फ्लो कर गया, तो यानी कि आउटर वाले सरफेस पे चार्ज होगा क्यू वन प्लस क्यू टू। तो इसको देखिए, अंदर वाले सरफेस पे जीरो, आउटर पे क्यू वन प्लस क्यू टू। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि अगर आप इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने से अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज जीरो और जो अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज होगा वो फ्लो होकर के आउटर स्फीयर पे चला जाएगा, यानी कि क्यू वन प्लस क्यू टू। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके अगेन आपके पास दो स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, R1 और R2 रेडियस गिवन है और इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज 2Q, और बोला कि अंदर वाले स्फीयर को हम क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने का मतलब ये है कि इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि इस अंदर वाले स्फीयर पे जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो यहां का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, डन। अच्छा, इनिशियली चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू, फिर अर्थिंग किए तो अर्थिंग करने से चार्ज फ्लो होगा अर्थ में, या ये भी हो सकता है कि अर्थ से चार्ज जो है वो इस स्फीयर पे आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंदर वाले स्फीयर पे जिसको अर्थ किए हैं उस पे चार्ज मान लेंगे एक्स, इररेस्पेक्टिव कि पहले कितना चार्ज था। जैसे ही अर्थिंग करेंगे या तो चार्ज फ्लो हो सकता है या चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसलिए हमने मान लिया एक्स, और बाहर वाले को तो हमने टच ही नहीं किया था तो बाहर वाले पे 2Q। अब आप क्या करिए, इस पॉइंट को हमने अर्थिंग किया था तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो आप क्या करिए इस पॉइंट पे दोनों स्फीयर के कारण पोटेंशियल लिखिए। तो आइए पी पॉइंट पे लिखते हैं, पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए क्योंकि अर्थिंग किए हैं। पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे तो अंदर वाले स्फीयर का चार्ज है एक्स और उसके सरफेस पे है तो स्मॉल r1, तो स्फीयर वन के कारण आ जाएगा पोटेंशियल के एक्स अपॉन स्मॉल r1, डन। बाहर वाले स्फीयर का चार्ज है 2Q तो के 2Q, और उसके अंदर वाले पॉइंट पे है तो उसका रेडियस R2। इसको जीरो करेंगे तो इसको इधर लेके आइए, तो यहां से देखिए जो अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज एक्स है वो आ जाएगा -2Q R1/R2। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस स्फीयर को आप अर्थ करते हैं इररेस्पेक्टिव कि उसके ऊपर पहले कितना चार्ज था, उस पे आप चार्ज मान लीजिए एक्स, फिर यहां अर्थिंग किए हैं तो उस पे पोटेंशियल जीरो मानिए, इस पॉइंट पे दोनों स्फीयर के कारण पोटेंशियल लिखिए, उसको जीरो करिए, आंसर आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब अगेन आपके पास दो स्फीयर है आर और कैपिटल आर, चार्ज आपके पास गिवन है, और अब आपको क्या बोला कि बाहर वाले स्फीयर को हम अर्थ करते हैं। पिछले क्वेश्चन में अंदर वाले स्फीयर को अर्थ करते थे, अब बाहर वाले स्फीयर को अर्थ कर देते हैं। तो क्या करना है, सिंपल सा, इररेस्पेक्टिव कि उसके ऊपर पहले कितना चार्ज था, जिसको अर्थ किए हैं उस पर चार्ज मान लीजिए एक्स, वहां का पॉइंट मानिए पी, और इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि अर्थिंग किए हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट विल बी जीरो। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखिए, अंदर वाले स्फीयर के कारण उसके आउटर सरफेस पे है, उसके आउटर साइड में है, तो के क्यू वन अपॉन कैपिटल आर, और इस स्फीयर के कारण इसका चार्ज है एक्स और इसके सरफेस पे है तो कैपिटल आर, डन। इसको जीरो के बराबर करेंगे तो यहां देखिए एक्स आ जाएगा -Q1। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है क्योंकि AIPMT और JEE मेंस में भी पूछा गया था। अब आपके पास तीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, सबका देखिए रेडियस है ए बी सी, और अब की बार आपको कंडक्टिंग स्फीयर का चार्ज ना देकर के उसका चार्ज डेंसिटी गिवन है। देखिए एक के ऊपर +σ − σ + σ, डन। अब अभी हम जितने भी क्वेश्चन करके आए हैं उसमें हम चार्ज के साथ खेलते थे,
के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू डिपेंड करता है कि कौन सा रेडियस हम कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, यस और नो। तो लेकिन इस क्वेश्चन में आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो पहले चार्ज डेंसिटी से हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। कैसे, आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले स्पीयर पे देखिए, मान लेते हैं चार्ज क्यू वन है, तो आपको पता है सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, और यहां स्फीयर है तो यहां एरिया ऑफ स्फीयर लेंगे, और एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले आप यहां से चार्ज आ गया, चार्ज डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो पहले आप पहले स्फीयर के लिए क्यू वन निकालिए, तो वो हो जाएगा प्लस सिग्मा 4 पाई इसका रेडियस यानी कि ए स्क्वायर। फिर दूसरे स्फीयर का चार्ज क्यू टू लिखते हैं उसको, तो माइनस सिग्मा 4 पाई उसका रेडियस यानी कि बी स्क्वायर। और फिर तीसरे स्फीयर पे प्लस सिग्मा 4 पाई उसका रेडियस सी स्क्वायर, यानी तीनों का चार्ज आ गया। अब तीनों का चार्ज आ गया, अब आपके पास तीन पॉइंट है ए बी सी, तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए। तो पहले पॉइंट ए पे देखिए, पॉइंट ए पे अंदर वाले स्फीयर के कारण के क्यू वन अपॉन ए, इस स्फीयर के कारण इस पॉइंट पे के क्यू टू अपॉन बी, और इस स्फीयर के कारण के क्यू थ्री अपॉन सी। सिमिलरली बी पॉइंट पे इस स्फीयर का आउटर सरफेस है, तो के क्यू वन अपॉन बी इसके सरफेस पे है, इस सेकेंड वाले स्फीयर पे, तो के क्यू टू अपॉन बी, और इसके अंदर वाले पॉइंट पे, तो के क्यू थ्री अपॉन इसका रेडियस यानी कि सी। और सी पॉइंट पे इसका आउटर सरफेस तो के क्यू वन अपॉन सी, इसका भी आउटर सरफेस है तो के क्यू टू अपॉन सी, और इसका इसके सरफेस पे तो के क्यू थ्री अपॉन सी, यानी तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल हम लिख दिए। अब नेक्स्ट यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर क्या हो कि ए और सी पे पोटेंशियल बराबर हो जाए, तो आपसे इस तीनों पॉइंट का, इस तीनों रेडियस का रिलेशन पूछता है। तो आपने तीनों पॉइंट का पोटेंशियल लिखा है, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। देखिए इन दोनों को इक्वल कर दिए, तो यहां से के खत्म, इस टर्म से इस टर्म खत्म, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो अब आपके पास आ जाएगा क्यू वन अपॉन ए प्लस क्यू टू अपॉन बी, क्यू वन अपॉन सी प्लस क्यू टू अपॉन सी, डन। अब आप क्या करिए, क्यू वन और क्यू टू का वैल्यू रख दीजिए, क्यू वन और क्यू टू का वैल्यू रख दीजिए। तो क्यू वन और क्यू टू का वैल्यू रखिएगा, सॉल्व करिएगा, तो आपके पास तीनों का रिलेशन आ जाएगा, यानी तीनों रेडियस का रिलेशन। तो देखिए यहां पे क्या याद, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को याद रखना है। कैसे याद रखना है सुनिए, अगर वी ए इज इक्वल टू वी सी आ गया, तो रेडियस में रिलेशन डायरेक्ट याद रखिएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि आउटर रेडियस, आउटर रेडियस सबसे बड़े वाले स्फीयर का रेडियस इज इक्वल टू दोनों का सम। या उल्टा आपसे पूछ सकता है कैसे, कि अगर क्या हो कि रेडियस का अगर ये रिलेशन है सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो बताइए पोटेंशियल किसका किसका इक्वल होगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है, ये दोनों इक्वल होगा तो रेडियस का रिलेशन, ये रेडियस का रिलेशन अगर ये देगा तो ए इज इक्वल टू सी का पोटेंशियल इक्वल होगा।